नाजरीन आज मैं आपको लिवर प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा। यानी जिगर के अमराज़ के तल्लुक से जिगर हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है यूनानी के हिसाब से यहीं पर ख़ून बलग़म सफरा और सौदा बनता है और ख़ून का कलर बलग़म का सफरा का सौदा अलग अलग होता है यानी ये लाल पीला सफ़ेद और काला होता है और यहीं से ये एक फैक्ट्री है यहीं से पूरी बॉडी को जो है ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई होता है जो भी फैट इस्तेहला होता है यानी मेटाबॉलिज्म होता है वो लिवर के अंदर ही होता है जितना भी डाइजेशन के लिए बैल की प्रोडक्शन है वो लीवर के भी अंदर होती है अलगर्स के लिवर एक फैक्ट्री है अगर ये सेहतमंद है तो समझे कि दूसरे सारे ऑर्गन सेहतमंद हैं अगर इसके अंदर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आ गई समझो कि कोई ना कोई आर्गन वो ख़त्म होता जाएगा जैसा फैटी लीवर दूसरा हिपैटिस जिसमें इन्फेक्शन हो जाता है लीवर के अंदर हिपैटोमेगाली यानी लिवर बड़ा हो जाता है लिवर सिरोसिस यानी लीवर फेल हो जाता है और लिवर कैंसर इसके अंदर कैंसर आ जाता है मगर आज इंसान खाने के ऊपर जो गिर पड़ता है जो खा रहा है जैसे खा रहा है जो मिला खा रहा है जो टीवी में एड बता रहे हैं वो मिला के खा रहे हैं किसी भी किस्म की एहतियात नहीं है जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल इसी तरह से फल फलाली जिसमें अल्लाह सुबहाना तौला ने कई किस्म के फ़ायदे रखे हैं उसको खाते ही नहीं दिन का खाना रात में खा रहे हैं दोपहर का खाना रात में खा रहे हैं रात का खाना फिर सुबह में खा रहे हैं और तकरीबन एक एक दिन का खाना दो दिन दिन फ्रिज पर रख के खा रहे हैं ये गैर अतदाली की वजह से लिवर इफेक्ट होता है और खासकर बड़ी अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे कौम के अंदर जो दावतों के नाम पे जो हम बिरयानी चिकन और मटन सारे जो ग़ा मुर्गन जा जिसको सुखल ग़ा कहते हैं खाने की वजह से हमारे लिवर के अंदर फैट डिपॉज़िट होना शुरू होता है फ़ैट का अगर इलाज ना करें ये फैटी लिवर ना हो तो फिर इसके अंदर इन्फेक्शन होता है जिसको हिपेटाइटिस कहते हैं अगर हिपेटाइटिस के वक्त में भी आपने कंट्रोल नहीं किया खाने में और फिर बस हर दावत के अंदर आप शामिल होते रहे हैं खाते रहे हैं और अनलिमिटेड चल रहा है तो फिर तीसरा स्टेज है कि लिवर हिपैटो यानी लिवर बड़ा हो जाता है अगर उसके बाद भी आपने सुधरा नहीं फिर वही दावतें कंटिन्यू हैं आपके और जो है कोई खाने के अंदर लिमिट नहीं तो फाइनली ये जाके लीवर फेल हो जाएगा और हो सकता है कि शराब पीने की वजह से या सिगरेट नोशी की ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से या पान तंबाकू घुटका खाने की वजह से लिवर कैंसर में बदल जाए अलगर्ज यह है कि लीवर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है यह अल्लाह की एक बहुत बड़ी नियामत है जिसको हम खुद गजाओं के जरिए बर्बाद करते हैं जब लिवर डैमेज होता है स्टार्टिंग में पेट थोड़ा सा फूला नजर आता है उसके बाद अगर आप अल्ट्रासोनोग्राफी करके देखेंगे तो उसके अंदर बताएगा कि फैटी लीवर है इसी तरह से यूरिन के अंदर कभी एल्लोइश और हाथों पैरों के अंदर अगर जब एल्लोइश आता है तो उसको हम जान्डिस कहते हैं हो सकता है कि मतलब बहुत ज़्यादा थकावट हो भूख कम लगे वजन कम हो रहा है इसके बहुत से जो है अलामतें हैं यूनानी हर्बल दवाओं के अंदर यूनानी किताबों के अंदर आप देखेंगे जिगर की हरारत को दूर करने के लिए जिगर को ताकत देने के लिए जिगर के वर्म को दूर करने के लिए जिगर के अंदर फैट जो भरा है उसको दूर करने के लिए या लिवर फेलियर है उसके लिए बेहतरीन दवाओं का जिक्र कई हज़ार साल के किताबों के अंदर मौजूद है यूनानी के अंदर जिगर की बीमारियों का ख़ास इलाज है आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके कम से कम पचास हज़ार साठ हज़ार खाली सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए लगाते हैं बट इलाज इलाज कुछ भी नहीं है अगर आपके अतराफ में कोई ऐसे मरीज़ें हैं जो लिवर से एफेक्टेड हैं फैटी लिवर के पेशेंट हैं या हिपैटोमेगाली के पेशेंट हैं लिवर सरोसिस के पेशेंट हैं या जो है किसी भी किस्म का वर्म जो है जिगर के अंदर आया है या ओबेस पेशेंट है जिससे लिवर इफ़ेक्ट हो सकता है तो ऐसे लोग अगर हमारे हॉस्पिटल के करीब हैं यानी बेंगलुरु में करीब हैं या तमिलनाडु में वानियम के पास हैं तो आप आ सकते हैं आके इलाज व मालजा कर सकते हैं या आप बहुत दूर से हैं तो आप ईमेल के ज़रिए से व्हाट्सएप के ज़रिए से अपने लिवर फंक्शन टेस्ट यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट के अंदर जो लिवर फंक्शन टेस्ट है और अल्ट्रासोनोग्राफ़ी ये रिपोर्ट्स हमारे पास भेज के हमारे हॉस्पिटल से राय मशवरा ले सकते हैं और हमारी दवाओं से इन व तआला ने काफ़ी शिफा रखी है हमारी यूनानी हर्बल दवाओं से जिगर को ताकत भी मिलती है वर्म भी जाता है और लीवर जो बड़ा होता है हिपैटो वो भी ठीक होता है और लीवर फेल होने से भी बच जाता है नाजरीन ये जिगर ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी नियामत है इसकी हिफाजत करें इसकी हिफाजत करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें शराब नोशी खुदा ना खास्ता अगर कोई कर रहे हैं तो उसको बंद करें तंबाकू का इस्तेमाल ना करें मुरगन गज़ाएँ और जैसा सुखल गज़ाएँ जैसा जंक फ़ूड जिसको कहते हैं उसको अवॉइड करें अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुबहाना ताली हमें सेहत अता फरमाए।